माय डियर फ्रेंड्स, एक दलित परिवार में जन्मी, अकोला शहर के पास एक गांव में पली बड़ी कल्पना सरोज के बारे में, एक ऐसी लड़की के बारे में बता रहा हूं, 1961 बॉर्न अ गर्ल, जैसे तैसे उसकी उम्र 13-14 साल की हुई, उस लड़की की शादी कर दी गई, ससुराल गई, ससुराल वाले ताने मारने लगे, तुझे कुछ आता नहीं है, तुझे खाना बनाना नहीं आता, तू पानी भर नहीं सकती, तू करेगी क्या, धिक्कार है तुझ पे, बहुत मारते थे उसके ससुराल वाले उसे। छोटी नन्नी बच्ची क्या करती, ससुराल छोड़कर बाप के घर चली आई, घर आई तो पूरा परिवार उसका तिरस्कार करने लगा, गांव वाले तिरस्कार करने लगे, कहते हैं गांव में कोई बच्ची अगर अपने ससुराल से वापस लौट आए तो उसका पूरा मायका तिरस्कार करता है कि तेरी गलती रही होगी इसलिए तुझे मार पड़ी। वो रोती रही लेकिन एक इंसान नहीं था जिसने उसकी बात सुनी। वो घर छोड़कर अपने चाचा के घर बॉम्बे चली गई। बॉम्बे में जाने के बाद उसने अपने चाचा से बोला, चाचा मुझे कोई काम दिला दो, नौकरी दिला दो। तो सिलाई आती थी, उसके चाचा ने उसे एक धागे की फैक्ट्री में जॉब दिला दी। उसे मशीन चलाते नहीं बनी, क्योंकि हाईटेक मशीन थी वहां पे। उसने हेल्पर का काम करना शुरू करा, दो रुपए रोज पे काम करना शुरू करा। धीरे धीरे फैक्ट्री में उसे मशीन चलानी आई, वो मशीन चलाना सीखते। कुछ दिनों के बाद उसके पास कुछ पैसे अपने स्वयं के इकट्ठे हुए, कुछ उसने लोन लिया। लोन लेने के बाद उसने फर्नीचर का काम करना शुरू करा। उन्हीं दिनों उसके पिताजी की नौकरी चली गई, उसके पिताजी एक कांस्टेबल। पिताजी को बोला, बेटा हमारे पास अब खाने के लिए पैसे नहीं बचे। उसने बोला कि पापा आप चिंता मत करो, आप बॉम्बे आ जाओ, हम लोग देख लेंगे। वो उसकी बड़ी बहन, चार बहन भाई, मम्मी पापा सबके साथ आ गए बॉम्बे, एक झुग्गी के अंदर रहना शुरू करा। एक दिन उसकी बहन को बहुत तेज बुखार चढ़ा, बुखार इतना जोर से था कि उसके बुखार को ठीक कराने के लिए 2,000 रुपए की जरूरत थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कल्पना सरोज लाख उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो 2,000 इकट्ठे नहीं कर पाई और उसकी बहन की डेथ हो गई। उसकी जिंदगी में 2 रुपए बहुत मायने रखते हैं, ये 2 का आंकड़ा बहुत मायने रखता है। हुआ ये, कुछ दिन बीता, बहुत बुरा लगा, सदमा लगा, अपनी बहन को खो दिया अपनी आंखों के सामने। उसने दम तोड़ दिया क्योंकि इलाज के पैसे नहीं थे। उस दिन पैसों का वैल्यू पता लगी, काम करना शुरू करा उसने, बहुत तेजी से काम करना शुरू करा। उसके कुछ पैसे इकट्ठे हुए, उसे मौका मिला एक प्लॉट खरीदने का। उसने प्लॉट खरीदा, पता लगा उस प्लॉट पे 200 केसेस चल रहे हैं। जिंदगी की सारी जमा पूंजी उसने उस प्लॉट पे लगा दी थी, वो प्लॉट भी केस वाला निकला। एक ही रास्ता था उसके पास कि वो सुसाइड कर लूं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बोला, जितना था लगा दिया, मेरे पास सिर्फ एक चीज है, या तो सुसाइड करूं या लड़ूं। 2-2.5 साल तक केस लड़ती रही, आखिरकार वो लड़की केस जीती। माय डियर फ्रेंड, वो धीरे धीरे अपने पैरों पे बहुत अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो गई। भारत सरकार के द्वारा एक कंपनी को निर्माण किया गया था, एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज पड़ा, मालिक छोड़ के भाग गए। सरकार ने दोबारा मौका दिया उस फैक्ट्री को चालू करने का, किस शर्त पे कि जो मजदूर हैं कल से वही इस फैक्ट्री के मालिक रहेंगे। पता है क्या हुआ, मजदूर 10 साल तक जैसे तैसे चलाए, कंपनी के ऊपर 160 करोड़ का कर्जा हो गया। ये बात कर रहा हूं 1997 की। माय डियर फ्रेंड, जब मजदूर उसके पास पहुंचे कि कल्पना दीदी हम लोग बेघर हो चुके हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, भीख मांगनी पड़ रही है, हमारी मदद करो, कल्पना ने मना कर दिया। फिर दोबारा आया कि हमें भीख मांगनी पड़ रही है खाने के लिए, कल्पना जी ने गरीबी देखी थी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरा सपोर्ट करूंगी। वो फैक्ट्री का उन्होंने एनालाइज किया, पता लगा 160 करोड़ में से 50% से ज्यादा पेनाल्टी और इंटरेस्ट है। फाइनेंस मिनिस्टर के पास गई, उनसे अनुरोध किया कि बैंक का पैसा अगर बैंक को वापस चाहिए तो उससे आपसे निवेदन है सर कि हमारा इंटरेस्ट और पेनाल्टी माफ कर दीजिए, मजदूरों को नौकरी मिल जाएगी, बैंकों का पैसा वापस आ जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने ना सिर्फ पेनाल्टी और इंटरेस्ट माफ किया, बल्कि उसके ऊपर 25% जो मूलधन था, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर 25% का डिस्काउंट भी दे दिया। वही कल्पना जो कल तक कुछ नहीं थी, उस कल्पना को उसी फैक्ट्री का बोर्ड ऑफ मेंबर बनाया गया। 7 साल का टाइम दिया था कल्पना जी को कि उस दुकान का, उस फैक्ट्री का पैसा बैंक को रिटर्न करें, मजदूरों की तनख्वाह उन्हें दे। 1 साल के अंदर उन्होंने सारा कर्ज उतार दिया। ना कोई ग्रेजुएट, ना कोई पोस्ट ग्रेजुएट, ना उसके डिग्री थी, ना उसके पीजी की डिग्री थी, ना कोई मैनेजमेंट साइंस उसको जानती थी।
माय डियर फ्रेंड, वो लड़की जिसके पास कल 100 रुपए थे, वो लड़की जो रोज 100 रुपए के लिए काम किया करती थी, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, फक्र के साथ कह पा रहा हूँ कि जिसमें लड़ने का हौसला होता है ना, भगवान भी उसकी परीक्षा उतनी बड़ी लेता है। कि जिसके पास 100 रुपए रोज के आते थे, जिसकी बहन 2000 रुपए के लिए मर गई थी, आज वही कल्पना सरोज जी, जिन्हें 2013 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, भारत की टॉप 10 शक्तिशाली महिलाओं में से एक, हिंदुस्तान के साथ वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों ने उन्हें सम्मानित किया, वही लड़की जो कल 100 रुपए के लिए काम करती थी, आज वही मैडम कल्पना सरोज जी 2000 करोड़ की मालिक है।